हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम लोग इंटीग्रेशन के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे एग्जांपल सहित उसके एक्सरसाइज कोई क्वेश्चन को। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए, बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सबसे पहले डील करेंगे और आप लोग देखते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले उदाहरण नंबर एक से कहता है, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। मतलब प्रति अवकलज मतलब क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव, ठीक, जिसके इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो निरीक्षण विधि को इंग्लिश में क्या कहता है? इंस्पेक्शन मेथड। ठीक, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंस्पेक्शन मेथड पहला का पहला cos 2x का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रति अवकलज मतलब एंटी डेरिवेटिव, एंटी इंटीग्रल से एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन भी कहते हैं। ठीक, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कह सकते हैं वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले cos 2x किसका डिफरेंशिएशन, मतलब सबसे पहले हम लोग जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। ठीक, अगर हम लोग कहे साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? टू कॉस टू एक्स हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा? टू कॉस टू एक्स हो जाएगा। ये सब सिंपल मेथड आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक, तो अब हम लोग कैसे समझेंगे, कॉस टू एक्स का प्रति अवकलज मतलब एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सॉल्व मेथड से भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर मेथड लगा दिया है, निरीक्षण विधि मतलब इंस्पेक्शन मेथड, तो उसका यूज करके सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव इसका करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर यह टू इस साइड आ जाएगा तो वन बाय टू डी साइन टू एक्स बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स। आई होप आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। तो देखिए कॉस टू एक्स हुआ, अब हम लोग कर सकते हैं जैसे cos 2x इस sin यानी कि एक 1 by 2 है, इसका यहां पर एक कोएफिशिएंट पर कांस्टेंट रहता था, बाहर करते हैं, तो इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं d 1 by 2 sin 2x by dx is equal to क्या है? cos 2x। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट भी लगा सकते हैं, d 1 by 2 sin 2x by dx is equal to integration of cos 2x dx। मतलब अब इसका एक पार्ट यानी कि dx हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 by 2 sin 2x is equal to integration of cos 2x dx। मतलब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 by 2 sin 2x। ठीक, इतना आप लोग कर सकते हैं इंस्पेक्शन मेथड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में कहता है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ठीक, मतलब कहता है 3x स्क्वायर, मतलब आप हम लोग जानेंगे 3x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन, मतलब आपकी क्या x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 एक्स स्क्वायर आएगा। तो कैसे आएगा, जैसे हम लोग जानते हैं एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो यही एक्स के पावर थ्री का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर। अब फोर एक्स क्यूब मतलब एक्स के पावर फोर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब हो जाएगा। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग यहां से इस फंक्शन को खोजने के लिए ऐसे कर सकते हैं, we know that d क्या कर सकते हैं, x के पावर 3 प्लस x के पावर 4 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अलग अलग इसका डिफरेंशिएट सेपरेट करते हैं, x क्यूब बाय dx प्लस x के पावर 4 बाय dx। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स क्यू प्लस एक्स के पावर फोर बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यू। ठीक, इतना हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो ऐसी का इंटीग्रेशन
इतना का वैल्यू यानी कि क्या आ जाएगा यह इस फॉर्म देखिए एक्स क्यू डी प्लस एक्स के पावर फोर बाई डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर थ्री इतना का टी एक्स, मतलब क्या आ गया एक्स क्यू प्लस एक्स टू दी पावर फोर प्लस टी लगा दी, नहीं लगाइएगा चलेगा इंस्पेक्शन मेथड ठीक इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यू डी एक्स ठीक इतना का वैल्यू क्या है एक्स टू दी पावर क्यू प्लस एक्स पावर फोर, यही आ गया आप लोग का इंस्पेक्शन मेथड ठीक निरीक्षण विधि। जैसे सॉल्व मेथड से इंटीग्रेशन आप लोग करिएगा, देख सॉल्व मेथड भी जान लीजिए आप लोग तो बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा उसमें कोई मेथड के अनुसार नहीं पूछा जाता जो एनसीईआरटी, लेकिन जो विधि कहीं कहीं पूछा जाता है। देख तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग सेपरेट करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 4x क्यू dx कितना है, तो क्या करेंगे 3 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या करेंगे डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा x के पावर 2 प्लस 3 1 3 बाय 3 प्लस 4 बाहर आएगा x के पावर 4 बाय 4 प्लस 3 तो 4 4 3 3 कैंसिल x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 4 प्लस 3 यही ना आ गया। तो आप लोग सॉल्व मेथड से भी कर सकते हैं और मेथड जो पूछा गया इंस्पेक्शन मेथड इस मेथड से भी कर सकते हैं ठीक। इसी तरह एग्जांपल नंबर तीसरा 1 बाय एक्स का पूछ रहा है तो 1 बाय एक्स का आप लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस सी ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समलों को ज्ञात कीजिए एग्जांपल नंबर 2, तो एग्जांपल नंबर 2 जो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए तो कुछ नहीं कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, दूसरा का पहला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक, और इसका दिया गया है फलन दिया गया नहीं दिया गया बस इतना ही कहा, क्या कह रहा है समाकलन पूछा है समाकलन मतलब सेपरेट करेंगे इसको कुछ मेथड नहीं लगाया गया है अलजेब्रिकल फंक्शन है एक्स क्यू बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यू कैंसिल मतलब एक्स बचेगा माइनस एक्स पावर 2 डी एक्स अलग अलग सेपरेट कर दीजिए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इसमें जोड़ेंगे पावर क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन माइनस टू प्लस वन मतलब माइनस वन प्लस सी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो वन बाय टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर माइनस वन मतलब वन बाय एक्स प्लस सी यही आंसर हो गया ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं देखिए देखिए दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 2 बाय 3 प्लस 1 dx कुछ नहीं इसका सेपरेट करके अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं x के पावर 2 बाय 3 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इसका पावर जोड़ेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 बाय 3 बाय 5 बाय 3 प्लस x प्लस c तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 बाय 5 एक्स टू दी पावर 5 बाय 3 प्लस एक्स प्लस सी ठीक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह आप लोग सेपरेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिया गया है x के पावर 2 बाय 3 प्लस 2 e टू दी पावर x माइनस 1 बाय x e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम ही होता है e टू दी पावर x ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स क्या पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जिसमें कहता है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए मतलब फाइंड इंटीग्रेशन इंटीग्रेट तो साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी तो लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
प्लस सी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। देख बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखिए इसके लिए आप लोग को डिफरेंशिएशन को पता रहना है और इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन करता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक, तो कोसेक एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। इस तरह से आप लोग सेपरेट कर सकते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स यानी कि किसका होता है, कोसेक स्क्वायर पहले कोसेक है कि कॉट, कोसेक स्क्वायर एक्स मतलब यानी कि को इसका कितना हो जाएगा कॉट का। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस यानी कि प्लस माइनस माइनस यानी कि इसका भी आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीन नंबर तीसरा का तीसरा कहता है इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए कुछ नहीं करना है, सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सब आप लोग को डिफरेंशिएशन पता रहेगा तो इंटीग्रेशन तुरंत कर सकते हैं। ठीक, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स साथ ही सेपरेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन बाय कॉस वो क्या हो जाएगा टेन और वन बाय कॉस मतलब सेक सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स मतलब किसका टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मतलब इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं माइनस sec x into tan x, sec x का डिफरेंशिएशन तो मतलब यही है इंटीग्रेशन sec x into tan x के क्या आ जाएगा sec x plus c। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में का क्वेश्चन है, यह प्रॉब्लम पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है फंक्शन f of x is equal to 4x क्यू माइनस सिक्स द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज मतलब एंटी डेरिवेटिव f ज्ञात कीजिए जहां की f ऑफ 0 बराबर 3। मतलब कोई फंक्शन जो है इसका दिया गया है x 4x क्यू माइनस सिक्स। ठीक, और तब कहता है प्रति यानी कि क्या पूछ रहा है प्रति अवकलज एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव जो होगा क्या हो जाएगा x के पावर 4 माइनस 6x एक्स। ठीक, प्लस सी आ जाएगा। अब कहता है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 दिया गया है तो क्या हो जाएगा 0 रखेंगे 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस सी मतलब c इज इक्वल टू 3। यही पूछ रहा है c का वैल्यू 3। अब नया फलन जो बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 6x प्लस c का वैल्यू 3। बस यही हो गया। ठीक, तो एंटी डेरिवेटिव जिसका यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो यानी कि इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना आएगा। ठीक, इस फंक्शन को इतना आप लोग अभी तुरंत किया एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका निरीक्षण विधि से इतना कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन में कह दिया है, ये सब आप लोग इतना याद कर सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ तक चार एग्जाम्पल था और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे 7.1 के क्वेश्चन को डील करेंगे। तब तक यहीं तक आप लोग देखते रहिए। ठीक, नए वीडियो में फिर मिलेंगे नए वीडियो से। थैंक यू।